हम लोग वहाँ पे जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे वही बात हम लोग यहाँ पे वही चीज़ रखेंगे कि सीई एग्ज़ाम जो आर्मी का जो सीई एग्ज़ाम है उसको लिया जाए, ठीक है। 2 साल से रुका हुआ है, कोविड का बहाना दे रहा है भारत सरकार, ठीक है, कि 2 साल से कोविड है, कुछ नहीं है कोविड, ठीक है, सब एक बहाना हो रहा है, सारा एग्ज़ाम हो रहा है, आर्मी का एग्ज़ाम स्थगित कर दिया जा रहा है। अभी TOD ला कर बोल दिया गया कि सी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो 2 साल से रुका हुआ है एग्ज़ाम था, मजाक थोड़ी है भैया, 4 साल मेहनत करना है आर्मी में। अभी हम लोग CT SP और SDO SDM जो थे लोग सारे कोई आए थे, सबको इसे मिलकर वही साथ में लिखवाए, वो लोग बोले कि उन लोग अभी हम लोग अपना पत्र दिए हैं, वो लोग बोले कि हम लोग गृह मंत्रालय तक भेजेंगे, और हम लोग भी राज्यपाल से मिलकर यही चाहते हैं कि जैसे भारत में विद्रोह हो रहा है चारों तरफ, विद्रोह नहीं हो, मतलब झारखंड के युवा विद्रोह नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक ही बात को रखना चाह रहे हैं, अगर नहीं बात रखा जाएगा तो फिर झारखंड के युवा बिहार में आप देख रहे हैं दिक्कत हो जाएगा। क्या बताया गया है अग्निवीर के बारे में? क्या अग्निवीर, क्या भैया 4 बार बता चुके, देखिए बात यहाँ ये है कि अग्निवीर युवा के लिए है ही नहीं, मतलब युवा जैसा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान और चाइना, इस सेना के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सेना रोजगार है कि देश प्रेम है? रोजगार है ना भैया, रोजगार नहीं सॉरी देश प्रेम है ना, तो इसको सरकार रोजगार क्यों ला रहा है? बिपिन रावत जो थे पिछले जो CDS थे जो जिनका मृत्यु हो गया वो क्या बोले थे, सेना कहीं रोजगार का ये नहीं है, रोजगार का नहीं है कि रोजगार है तो आ जाए, मतलब सेना के देश प्रेम है। हम लोग को यही होना चाहिए कि बस हम लोग को किससे मतलब नहीं है कि सी एग्ज़ाम जो 2 साल से रुका हुआ है इस बात को कोई मीडिया ला ही नहीं रहा आगे, ठीक है, सी एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं नहीं सर, क्या क्या है ना, क्या प्रोसेस है, परीक्षा संपन्न कराई, हाँ तो ये बात नहीं, ये बात छोटा मीडिया पे बात हो रहा है ना भैया, बड़ा मीडिया पे कोई बात ही नहीं हो रहा है। जी मीडिया एक बार भी नहीं बात बोला, ये सब चीज़ कुछ बोला ही नहीं कभी, रक्षा मंत्रालय से ये बात पे कुछ बात ही नहीं आ रहा है, कोई अब तक ना कुछ बोल ही नहीं रहा इस बारे में सी एग्ज़ाम के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो युवा लोग शहर में पढ़ रहा था, ठीक है, जो युवा लोग शहर में आर्मी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए गया था, ठीक है, जो कलम उठा के वहाँ रूम में GS पढ़ रहा था, मैथ पढ़ रहा था, वो अब आंदोलन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो आर्मी साहब जो चीफ साहब जो बैठे थे कॉन्फ्रेंस में, वो डायरेक्ट बोल दिए कि वो जो आर्मी का एग्ज़ाम है वो पिछली भर्तियाँ रद्द की जाती है, तो सारा लगा लो जो रूम में पढ़ रहा था वो सीधे कहाँ आ गया, आंदोलन में उठ के आ गया। कारण क्या है? TOD आना। अरे भैया वो TOD समझेगा ही नहीं, जब तक आप आर्मी का एग्ज़ाम नहीं लेंगे तब तक भले आपका आम जनता समझ जाएगा, ठीक है, आम पब्लिक आम लोग समझ जाएगा, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं समझेगा जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, 2 साल से वो मर रहा है, आप TOD उसको देंगे? ऐसे इतना आसान के लिए वो ग्रहण कर लेगा TOD? आम लोग जो इधर जो तैयारी नहीं कर रहा था, जो अभी जो दौड़ेगा सीने के बारे में जिसको पता ही नहीं है, वही एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो एग्जाम का तैयारी करके देखे एक बार फिर पता चलेगा कि 4 साल नौकरी करने में क्या है। मुख्य मांग है कि हम लोग का सी एग्जाम हो, ठीक है, जो 2 साल से पेंडिंग रुका हुआ है वो एग्जाम हो, बस हम लोग का रक्षा मंत्रालय से यही मुद्दा है कि 2 साल से जो रुका हुआ एग्जाम है उसको क्लियर किया। और सब लोग बस, और सब लोग कहता है ना कि विद्रोह करने से या जलाने से जो है सो मांग पूरा नहीं होगा, विद्रोह है, और सभी लोग सभी राज्य में क्या कहता है लोग कि जलाने से मांग का पूरा नहीं होगा। तो आज हम लोग झारखंड के युवा जो आक्रोशित थे फिर भी अपने आप पर कंट्रोल किए, हम लोग ने कोई तोड़फोड़ नहीं किया, शांतिपूर्वक ये आंदोलन को कंप्लीट किया, ठीक है, ये हम ये सरकार को हम संदेश देते हैं कि हम लोगों ने शांति किया, शांतिपूर्वक आंदोलन किया, इसका फल क्या है आप हमें दें, नहीं तो ठीक है आश्वासन दिया गया सिर्फ किया जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत ही तोड़फोड़ हो रहा है, इससे राज्यपाल जो हमारा बात है वो ऊपर तक पहुंचाएंगे झारखंड। एक प्रोटोकॉल होता है मिलने का, प्रोटोकॉल से बिहार में ट्रेनों में आग लगाई गई है, आप लोग किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आप लोग की तरह अभ्यर्थी थे। देखिए आक्रोश सब में है, युवा में, ठीक है, बात नहीं सुना जाएगा तो झारखंड में चाणक्य क्या कहा था, यही हो सकता है चाणक्य क्या कहा था मालूम है आप लोगों ने? चाणक्य क्या कहा था कि जब सत्ताधारी जो लोग था जब मनमानी करने लगे तो उनको हटाने के लिए, ठीक है, साम दाम भेद दंड अपनाना चाहिए, सम्मान से हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद समझा चुके हैं, अब आगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो धीरे 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 अप्लाई होते रहेगा, ठीक है, लेकिन ये होगा सर, बिल्कुल होगा, एग्जाम तो लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा, चाहे दुनिया का कोई कुछ हो कर दे, ठीक है, अगर बिल्कुल बात माना जाएगा सी एग्जाम के बारे में कुछ अब नहीं आएगा हम लोग ऊपर से क्या है क्या नहीं, तो कन्फर्म जुटेंगे, बिल्कुल झारखंड के सारे युवा जुटेंगे, अभी तो अगल बगल के कुछ राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट के लड़के लोग आए थे, झारखंड का पूरा युवा जुटेंगे, अभी आक्रोश में आ जाएंगे, फिर
अभी क्या होगा, अभी हम लोग अभी हम लोग अर्थव्यवस्था को जाम नहीं किए, ठीक है। किसी भी राज्य का जो जो दृढ़ जो रीढ़ होता है वो अर्थव्यवस्था होता है, और वो ट्रेन से सब चीज़ संचालित होता है। जब ट्रेन में पहुंच जाएंगे ना हम लोग, तो फिर एक ट्रेन नहीं मिलेगा। इसमें ऐसा है कि अभी जब तक अभी ये हम लोग परिचय